स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूँ कीर्ति सिंह। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की तरफ से ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के सदस्य श्री विवेक श्रीवास्तव जी ने ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस झारखंड के राजीव जी को और एशिया न्यूज इंडिया को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि वो कामना करते हैं कि इसी तरह एशिया न्यूज इंडिया की टीम आगे बढ़े। देखिए क्या कहा विवेक श्रीवास्तव जी ने। मैं विवेक श्रीवास्तव, ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस झारखंड के अध्यक्ष श्री राजीव सिन्हा जी और एशिया न्यूज़ इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उनका चैनल इसी प्रकार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और देश की सेवा में लगा रहे। धन्यवाद। इसी तरह ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की तरफ से सावेरी वर्मा, जो कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी एशिया न्यूज़ इंडिया को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह एशिया न्यूज़ इंडिया की टीम दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करे और आगे बढ़े। तो देखिए क्या कहा सावेरी जी ने। नमस्कार, मैं सावेरी वर्मा, गीतकार हूँ बॉलीवुड में। मैं जीकेसी के झारखंड अध्यक्ष श्री राजीव कुमार सिन्हा जी और एशिया न्यूज़ इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका चैनल इसी तरह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे और निरंतर देश सेवा में लगा रहे। इसी तरह ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की एक और सदस्य जो कि रिचा है, मिसेज एशिया यूनिवर्स भी रह चुकी हैं 2020 की, उन्होंने भी एक वीडियो में एशिया न्यूज़ इंडिया को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी और आशा की कि इसी तरह एशिया न्यूज़ इंडिया की टीम आगे बढ़े। तो देखिए क्या कहा रिचा जी ने। नमस्कार, मैं रिचा, मिसेज एशिया यूनिवर्स 2020, श्री राजीव कुमार सिन्हा और एशिया न्यूज़ इंडिया चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यह कामना करती हूँ कि उनका चैनल दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करे और देश की सेवा में लगा रहे। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के सदस्य और बॉलीवुड के मशहूर गायिका और अदाकारा। इन्होंने एशिया न्यूज़ इंडिया को शुभकामनाएं दी। इसके लिए एशिया न्यूज़ इंडिया के टीम के तरफ से आप सभी को ढेर सारी धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका भी आने वाला जीवन मंगलमय हो। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रांची।